स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे लेवलियर माइक्रोफोन के बारे में। तो हम अपना ऑडियो कैटलॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ऑडियो के बारे में लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, हर्ड बट नॉट सीन। मतलब आपको आवाज़ सुनाई देना चाहिए, आपको ये देखने का ज़रूरत नहीं है कि माइक्रोफोन कौन लेके खड़ा है, माइक्रोफोन कहाँ पर है। हर्ड बट नॉट सीन, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। तो अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है, जैसे आप मेरा माइक्रोफोन देख सकते हो तो इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बात ये है कि हर जगह इस तरह से ये प्रेजेंटेशन स्टाइल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टेज प्ले कर रहे हैं, तो इस तरह का स्टेज प्ले में जैसे कोई बात हो रहा है जो माइक्रोफोन से रहा है, अगर वहाँ पर आपको कोई दिखाया ऐसे ऐसे माइक लेके चलता रहे, अजीब लगेगा पहला। दूसरा, बूम ऑपरेटर भी रख देते तो वो भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि इधर उधर घूमता रहे। और प्लस अगर मान लीजिए कोई शेक्सपियरियन ड्रामा या कुछ भी हो, तो आप रोज़ लाइफ में लेके थोड़े से माइक्रोफोन लेके बैठे चलते रहते हो, तो वो थोड़ा सा इमर्शन ब्रेक कर देता है। तो पिक्चर में जैसे कोई भी कैरेक्टर बात कर रहा था, आपको कभी नहीं दिखना चाहिए कि वो कहां पे माइक्रोफोन रखा हुआ है। तो सस्पेंशन ऑफ डिस्प्ले, जो कि किसी भी तरह के मीडिया के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ये बहुत ध्यान से मेहनत किया जाता है कि आपको माइक्रोफोन सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे। फिर एक और बात भी होती है, चलिए मान लीजिए आपको माइक्रोफोन देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि मूवमेंट कितना कर सकते हैं आप, कितना दाएँ बाएँ चल फिर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टेज माइक है, जैसे यहाँ एक माइक रखा हुआ, तो अब हम हट गए तो माइक आवाज़ नहीं आएगा, इसीलिए फिक्स्ड माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ठीक है भैया एक स्टैंड लगा दो। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम को आके स्टैंड के पास खड़ा होना होगा, जो आप देखते होंगे पोडियम सब जो बनाया जाता है स्टेज में, उसके पास जाके आदमी खड़ा हो जाता है और देखता है, मतलब डिस्कशन होता है, बात करता है। तो वो समझिए थोड़ा लिमिटिंग है कि मतलब एक जहाँ पे खड़ा रहकर फिक्स हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसे हैं जो चलना फिरना पसंद करते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। तो या तो आप एक भारी तार वाला लेके चलिए या वायरलेस कुछ कीजिए। तो इसी कारण से लेवलियर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पिक्चर सब में लेवलियर का इस्तेमाल कई बार किया जाता है और कई बार बूम ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस तरह के बंदे होते हैं जिनका काम सिर्फ एक है, एक बड़ा सा डंडा में एक माइक्रोफोन, शॉटगन माइक्रोफोन लगा रहता है, उसका इस्तेमाल करके ये लोग अपना काम करते हैं। अब बात यह है कि ये एक अलग बंदा है जिसको आपको रोजी रोटी का पैसा देना पड़ेगा, ये अलग पर्सन हो जा रहा है। तो समझिए आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरह के स्टेज में तो वो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि समझिए ये लोग दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं या कोई स्टेज हो रहा है, तो नहीं हो सकता। प्लस पिक्चर में भी ये बूम ऑपरेटर्स को लगाया जाता है, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। लेकिन समझ रहे हैं, आपको एक बंदा चाहिए, एक बंदा को आपको देना पड़ेगा रोजी रोटी का खर्चा, तो वो महंगा भी बहुत हो जाता है। अब प्लस हर जगह ये नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए टिकटॉक हो रहा है तो उसमें है बंदा चल रहा है, तो अब थोड़े उसके स्टेज में पीछे से चलता रहेगा। इसको ये तभी काम कर सकते हैं जब कैमरा फिक्स्ड रहे, मतलब ये कैमरा के पीछे रहते हैं और देख लेते हैं कि भैया ये सीन आ रहा है, तभी आपको माइक दिखता नहीं है ऊपर से नीचे की तरफ, वो फिक्स किया जाता है। मतलब थोड़ा मेहनत वाला काम है, तो वो भी हट जाता है। प्लस ये सिंपल है, मतलब कुछ नहीं, आपने लगाया कॉलर में, काम खत्म, काम खत्म। मतलब अब आपको और कुछ नहीं करना है, मैं दाएं बाएं चल फिर सकता हूँ, आगे पीछे आ जा सकता हूँ। तो इसीलिए लोग इसका प्रेफर करते हैं, लेवलियर माइक्रोफोन। इसको कई सौ नाम से बोला जाता है, कभी कभी लपेल माइक बोला जाता है, कभी लेवलियर बोला जाता है, कभी कॉलर माइक बोला जाता है, कभी माइक्रो माइक बोला जाता है। तो बहुत सारा नाम है, तो बस वही समझिए कि यहाँ छोटा सा लगाया जाएगा। तो ये हो गया कि क्यों हमें इसका ज़रूरत पड़ा। तो अभी आपको मैं एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ। या तो आपका जो भी आवाज़ आप सुन रहे हैं, या तो वो शॉटगन से आ रहा है या लेवलियर से आ रहा है 99% केसेस में, तो फिर आपके पास क्या क्या औजार हैं, क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में समझिए माइक के कैटेगरीज को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है हेडवोन माइक्रोफोन, जो आप देखते होंगे टेक टॉक्स में कि माइक यहाँ लगा हुआ और ऐसे एक तो डंडा है, मतलब यहाँ छोटा सा है, काफ़ी अच्छा आवाज़ आता है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन दिख जाता है। मतलब ये प्रेजेंटर लगेगा कि प्रेजेंट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपसे जब कोई बात करता है थोड़े वो माइक्रोफोन लेके ऐसे बात करता है। इस कारण से काफ़ी लोग इससे मतलब खुश हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये थोड़ा सा वो इमर्शन ब्रेक कर देता है कि मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन है, आपका ध्यान तुरंत वहाँ चल जाएगा कि हाँ माइक्रोफोन क्यों है, जैसे तुम हमसे बात कर रहे हो तो भाई माइक्रोफोन का क्या ज़रूरत है। तो इसी कारण से ये सस्ता ऑप्शन है, तो काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, हर जगह काम भी चल जाता है। लेकिन अब डिपेंड करता है आपको इमर्शन चाहिए कि नहीं। फिर दूसरा होता है कॉलर माइक्रोफोन, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं कॉलर। इसमें आपको दिखेगा भी, लेकिन मेरे चेहरे पर ना होने के चलते आपको इफेक्ट उतना नहीं करेगा, क्योंकि इंसान का आँख बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है कि चेहरे को सबसे पहले देखता है। तो चेहरा पे जब कुछ नहीं है तो वो ठीक है, हाँ भाई ठीक है, अरे यहाँ कुछ है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो कॉलर। फिर तीसरा स्टेप होता है कि कंसील माइक्रोफोन, मतलब इसमें खूब मेहनत की जाती है। मतलब यही माइक्रोफोन को जैसे मान लीजिए मैं शर्ट के अंदर लगा लेता और थोड़ा सा व्यवस्था कर लेता ताकि आपको ना दिखे कि वहाँ बल्ज है या ये है, ये सब पिक्चर में किया जाता है, ये सब टीवी शो में किया जाता है, उसे हम लोग कंसील्ड माइक्रोफोन कहते हैं। तो ताकि आपको एकदम ना पता चले कि कहाँ पे माइक्रोफोन है। जैसे ये एडम सैवेज है, मिथबस्टर में काम करते थे
डिस्कवरी चैनल के लिए। इन्हें मतलब शुरू शुरू में काफ़ी इनके पास भी लेवलियर माइक लगा था, परेशान हो गए क्योंकि इनको मान लीजिएगा स्टेज पर कपड़ा चेंज करना पड़ता है कि मतलब लोग करते रहते हैं अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अलग अलग चीज़ करते हैं। एंड में इन्होंने चश्मा के अंदर लगा दिया माइक्रोफोन, चश्मा में वहाँ छोटा सा माइक्रोफोन लगा दिया तो दिखता नहीं है, मतलब आपको दिखेगा नहीं। और देखिए जैसे ही ये पता है कि टेड टॉक में माइक लगा तो आपको लगेगा कि वो मुझसे नहीं बात कर रहा है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसी कारण से इस तरह का माइक छिपाना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्लस पिक्चर में तो आप होगा ही नहीं, पिक्चर में बिना छिपाए माइक्रोफोन के काम होगा नहीं, तो जनरली या तो शॉटगन इस्तेमाल किया जाएगा या लेपल माइक इस्तेमाल किया जाएगा जिसके कंसील्ड पोजिशन में रखा जाता है। तो समझिए इलेक्ट्रॉनिकली ये सब में कोई खास अंतर नहीं है, सेम माइक्रोफोन है, सेम टेग्राम है, सेम एम्पलीफायर है, सब चीज़ उसमें कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन कैसे इस्तेमाल किया जाए बहुत अंतर है। जैसे कि अगर आपको एकदम सिंपल चाहिए आप हेडफोन ले लोगे, आप थोड़ा सा कॉलर माइक भी खरीद सकते हो, प्लस आप कंसील्ड सबसे फजीहत वाला होता है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा जैसे ड्रेस किस तरह का है उसके अंदर, खास करके लेडीज़ लोग में, क्योंकि लेडीज़ लोग आप ड्रेस देखते हो तो काफ़ी पतला रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा कॉलर नहीं है जैसे। लेकिन कोई बंदा है जो सूट पहना आराम से आपको पीछे जगह मिल जाता है, तो वो भी मेहनत करना पड़ता है कि कहाँ पर रखिएगा, कहाँ पर छिपाइएगा। कई बार बाल में छिपा दिया जाता है माइक्रोफोन, और वो भी समझिए वहाँ पे बाल पे छिमारे तो बाल का आवाज़ नहीं आए, तो मेहनत करना पड़ता है। तो कंसील्ड माइक्रोफोन ऐसा नहीं कि मार्केट में आपको मिलता है, कंसील्ड आप माइक्रोफोन खरीदिए जो सबसे छोटा खरीद सकते हैं और उसको छिपाने का व्यवस्था आपके, जैसे इनके केस में चश्मा, मेरे केस में तो नहीं लगने क्योंकि मैं चश्मा पहनता ही नहीं हूं। तो उसी समझिए कि ये मेहनत वाला काम है, ये आप पे है कंसील करते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई लेना देना नहीं है हेड माइक्रो ले लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कॉलर माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा रहता है, और कंसील्ड अगर आप अपना प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर बात आता है कि ठीक वो तो आवाज़ आ गया, आवाज़ कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसको क्या करना है। अब आपके पास दो मेन ऑप्शन होता है, वायरलेस या वायर्ड। तो जैसे मेरा आप देख सकते हैं ये तार लगा हुआ है, ये मैंने रिकॉर्डर में डाल रहा हूँ, ये रिकॉर्डर से ये तार जो आप देख रहे हैं ये तार जाता है मेरा DSLR में, वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे वायर्ड सेटअप। तो आपके सिचुएशन पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा वायर्ड से काम हो जाता है क्योंकि मैं कैमरा से आगे पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ ना, तो मैं कैमरा में रह रहा हूँ तो मेरा काम इससे हो जाता है। लेकिन आपके सिचुएशन पे है कि क्या से आपका काम होगा क्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्टर एक्ट्रेस है जो गाड़ी में गए, गाड़ी से निकले, गाड़ी से दूसरे दरवाजे में, और कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, तो अब ऐसा थोड़ी कि वो तार लेके भागते रहेंगे। तो इसी कारण से सिचुएशन आपको देख के समझना पड़ेगा। आप कुछ भी मान लीजिए किसी को एडवाइस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सबसे पहले सिचुएशन को समझिए, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह का ज़रूरत है। तो इसी कारण से सिचुएशन समझना पहले ज़रूरी है, कूद के बस मत खेलिए वायरलेस ही खरीद लें। जैसे मेरे केस में वायरलेस मेरे लिए बस पैसा वेस्ट होता क्योंकि मतलब मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ तो मुझे उतना फ़र्क पड़ता नहीं, तो इसीलिए सिचुएशन को देख के आपको समझना होता है। फिर वायर्ड के बारे में एक सिंपल कहा जाता है कि वो चीप और रिलायबल होता है, मतलब मुझे उतना फजीहत नहीं लेना है। जैसे बैटरी भी अगर केस तो मुझे एक बैटरी देखना है जो कि यहां पे है, और कैमरा का बैटरी तो पता है क्योंकि स्क्रीन में तरफ देख रहा है, अगर स्क्रीन बंद हो गया बैटरी खत्म है तो हमको उतना टेंशन है। लेकिन वायरलेस लेते हैं, मान लीजिए आपने बैटरी चेक कर लिया, अपने पास वाला जो ट्रांसमीटर है उसका चेक कर लिया, लेकिन रिसीवर का बैटरी खत्म हो गया, आपका आवाज़ नहीं आया, तो इसीलिए वायर्ड को हमेशा चीप एंड रिलायबल कहा जाता है। फिर वायरलेस का फ्लेक्सिबल और इजी हो जाता है, तो फ्लेक्सिबल के चलते आप समझ सकते हैं कि मैं आप दाएं बाएं खूब आराम से आ जा सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे गला में ये समझिए पट्टा जैसा लगा हुआ है कि हम आगे पीछे नहीं जा सकते, मतलब थोड़ा सा भी आगे पीछे आएंगे तो कोई दिक्कत है कि ये गिर सकता है, तो हम टेबल पर रखे हुए हैं इसलिए हमको उतना टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन लेना पड़ता है आपको तार के केस में, तो लोग वायरलेस प्रेफर करते हैं। तो इस तरह का आपको सेनहाइजर का दिखेगा, सेनहाइजर काफ़ी अच्छा नाम बना चुका है, ऐसा नहीं है कोई और कंपनी नहीं आती है, बहुत सारी आती है, लेकिन सेनहाइजर एक अच्छा रेपुटेशन बना लिया है। और वायरलेस के बारे में समझिए कि दाम तो बहुत महंगा था, तो बात यह है ना कि कुछ लोगों ने बोला कि दोनों के बीच का क्या किया जाए। मान लीजिए आपको वायर्ड जितना सिंपल चाहिए लेकिन वायरलेस जितना कन्वीनियंस चाहिए, तो किसी ने आइडिया लिया कि क्यों ना रिकॉर्डर ही लगा दें। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा तार जो है जा रहा है DSLR में, ये रास्ता काट दें यहीं पर रिकॉर्ड कर लें, तो अब मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिडंडेंट बैकअप रख रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आपको सिर्फ ऐसा है कि मैंने लेवल माइक लगाया, ये टैस्कैम का रिकॉर्डर बहुत छोटा है, मतलब एक बड़ा सा माचिस का डिब्बा जितना है, उसी में रिकॉर्ड कर लिया, फ़ायदा आपको टेंशन नहीं है। मतलब वायरलेस में एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि आपका सिग्नल जो है टिकेगा कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है जैसे अभी रोड ने एक बहुत अच्छा, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छा वायरलेस माइक्रोफोन बनाया, बहुत सस्ते दाम में, बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन अगर आप जैसे चल रहे हैं और आप घूमें, क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट पर डिपेंडेंट है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तो मान लीजिए कुछ हो गया कि आप घूमें तो आपका बॉडी आ जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, आवाज़ कट जा रहा है, तो उस हालात में ये इसीलिए महंगे वायरलेस जो आते हैं लेवलियर बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंजीनियर बैठ के दिन रात टेस्ट करके ये करता है कि भैया इसका सिग्नल ड्रॉप ना हो, क्योंकि आप पिक्चर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बार बार सलमान खान को नहीं बोलेंगे भैया वापस आओ रिकॉर्डिंग करना है, या बार बार आप शाहरुख खान को नहीं बोलेंगे या जो भी है,
कियानो रिव्स है या जो भी है, आपको आप बार बार नहीं बोल सकते, आपका एक बार में यह काम करना चाहिए। तो वायरलेस में ये हमेशा रिस्क रहता है कि आपका सिग्नल ड्रॉप कर सकता है, तो इसीलिए जो वायरलेस का जो सबसे हाई एंड आता है ना उसमें रिकॉर्डर भी बना रहता है, ताकि मान लीजिए सिग्नल नहीं आया किसी कारण से, इंटरफेरेंस हो गया या एंटीना टूट गया, कुछ भी हुआ, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड करके रख लेता है। तो मान लीजिए सिग्नल नहीं आया, आप टैलेंट को बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप काम करते हैं, जब टैलेंट बोला जाता है एक्टर एक्ट्रेसेस को जो भी कैमरा के सामने, उसे हम लोग टैलेंट कहेंगे। तो जब टैलेंट का काम हो गया, आप आराम से निकालिए, मेमोरी कार्ड निकाल के काम हो गया बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी कारण से कई जगह पे आप रिकॉर्डर इस्तेमाल, जैसे मैं जूम H1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना कॉम्पैक्ट नहीं है कि पॉकेट में रख सके, लेकिन ये बनाया गया है उसी काम के लिए। टैस्कैम का ये रिकॉर्डर सिर्फ उसी के लिए बनाया गया, बस शांति से आप लपेल माइक्रोफोन लगाइए, ये रिकॉर्ड कर लेगा हाईएस्ट क्वालिटी में, काम खत्म, टेंशन हजम। तो यही आपके पास, यही तो ऑप्शन है, रिकॉर्डर ले लीजिए अगर आपको एकदम टेंशन है। लेकिन हाँ, फिर आपको ये फजीहत हो जाएगा कि रिकॉर्डर आप लाइव नहीं कर पाइएगा, वायरलेस और वायर्ड में आप लाइव कर सकते हैं, इसमें लाइव नहीं कर सकते। तो आप पे जैसे टीवी वाले न्यूज़ एंकर लोग होंगे वो वायरलेस ही लेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो वही है, इसीलिए आपको हमेशा कुछ भी करने से पहले सिचुएशन समझना होगा कि वायर्ड चाहिए कि वायरलेस चाहिए। प्लस आप रिकॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि आपको सिंक करने का झंझट हो जाता है फिर ऑडियो में वीडियो, मतलब ऑडियो वीडियो सिंक करने का। और ये बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए, हर वायरलेस जो है वायर्ड से थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा लेटेंसी होती है। हमारा इंसानी आँख और कान का एडजस्टमेंट जो किया गया है नेचर से, वो है कि 50 मिलीसेकंड तक का आगे पीछे आदमी आराम से बर्दाश्त कर लेगा। 50 मिलीसेकंड से ज़्यादा डिले हो गया, मतलब आवाज़ 50 मिलीसेकंड से पीछे हो गया, आपका दिमाग नहीं हैंडल कर पाता है। क्योंकि समझिए, कई बार हम लोग दूर लोगों से बात करते हैं, मतलब 1 मीटर या 5 मीटर, आवाज़ धीरे चलता है प्रकाश से, तो इसलिए आवाज़ और वीडियो, मतलब समझिए आई का डेटा पहले ही आ जाता है, कान का डेटा बाद में आता है। तो इस कारण से नेचर बना दिया है लेटेंसी एडजस्टमेंट, लेकिन वो 50 मिलीसेकंड का है। तो बहुत ज़्यादा जो तिगड़म वाला रिकॉर्डर होगा, वायरलेस होगा, सस्ते खास करके, महंगे वाले में एकदम ध्यान देते हैं कि ये कभी ना हो, वो सबकी लेटेंसी बहुत होती है। तो जैसे बहुत बार चीप चीप बीच में आया था, तो 70 मिलीसेकंड का लेटेंसी था। तो अगर आप माइक में कैमरा में रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं तो भी आवाज का कोई मतलब नहीं, आपको बैठ के वापस उसको आवाज खिसकाना पड़ रहा था। तो जो भी 50 मिलीसेकंड से कम है वो ठीक है, जो 10 मिलीसेकंड से अंदर है वो बेमिसाल है। तो यही, इसीलिए सेनहाइजर ये सब बहुत साल तक एनालॉग पर रहा, एनालॉग में लेटेंसी नहीं होती है, डिजिटल अब आने लगे, अब जाके डिजिटल में इतनी परफॉर्मेंस आए, इतना प्रोसेसिंग स्पीड आया कि अब आप उसको 10 मिलीसेकंड के अंदर कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पे भी जरूर ध्यान दीजिए, एनालॉग में आपको लेटेंसी का नहीं टेंशन लेना देना, एकदम तुरंत हो जाता है, लेकिन डिजिटल में टाइम लगता है। सही, अपना सिचुएशन समझिए, वायर एकदम सिंपल है, रिलायबल है, कोई टेंशन नहीं लेना है, वायरलेस है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, इजी आसान हो जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिस्क आ जाता है कि आपका सिग्नल ड्रॉप कर सकता है। और फिर कॉम्पैक्ट रिकॉर्डर बहुत बढ़िया है, सब चीज़ अच्छा है, सस्ते दाम में भी हो रहा है, लेकिन आप लाइव नहीं कर सकते, और आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बन जा रहा है कि भैया हमको उससे कार्ड निकाल के एक ठो मतलब कंप्यूटर में डाल के ऑडियो वापस सिंक करना पड़ रहा है। तो वो आपको सोचना और समझना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं टिप और ट्रिप्स की, आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ये समझिए कि मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जैसे इस तरह का लपेल माइक आप लिए हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑडियो लाइन एट्यूनेटर। मतलब ये सब जो माइक्रोफोन है, लपेल माइक्रोफोन है, इससे आता है जो ऑडियो है वो है मोनो। आपका कोई भी रिकॉर्डर हो, जो भी वर्थ रिकॉर्डर होगा, मतलब अच्छा रिकॉर्डर होगा, उसमें स्टीरियो रिकॉर्डिंग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन निकालिए और एक लाइन में एट्यूनेशन कर दीजिए, यानी कि उसमें इस तरह का सर्किट है। मैं नीचे वीडियो दे देता हूँ, आप देख के समझ जाइएगा। मतलब किया क्या जाता है कि उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस डाल देते हैं, उससे होता है वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। तो फायदा यह हुआ कि आप अपने रिकॉर्डर में, यानी कि जैसे ये रिकॉर्डर है, इसमें जो गेन नॉब है इसको काफी हाई रख सकते हैं। जनरली आप जितना हाई रखेंगे उतना अच्छा आपको, मतलब उतना लाउड एंड क्लियर सिग्नल आएगा। जनरली लोग वही चाहते हैं, लाउड और क्लियर सिग्नल आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि लेकिन मैं छींक दिया या चिल्लाने लगा या मेरे साथ वॉल्यूम में थोड़ा आवाज बढ़ गया तो वो क्लिप कर जाता है। क्लिप का मतलब जीरो, जीरो का मतलब आपका ऑडियो खत्म हो गया। वहां पे कंप्यूटर कोशिश करेगा जबरदस्ती का आवाज डालने का, लेकिन वो जीरो हो चुका है। तो क्लिप ना हो इसलिए एटेन्यूएटर वाला आप एक सेफ्टी ट्रैक दे देगा। और चूंकि ये एनालॉग है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कैनन DSLR है और उसमें आप मेरे जैसा करना चाहते हैं कि लपेल माइक लगाते हैं डायरेक्ट, उसमें भी सॉफ्टवेयर का एक एटेन्यूएटर है कि एक ट्रैक को वो पहले से ही कम करके रखता है। तो बहुत सारे पोर्टेबल रिकॉर्डर में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये बना के, और आपको 100-200 रुपया लगेगा इसको बनाने में, आराम से इसका बना के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भैया, मोनो आया, मोनो को मैंने स्टूडियो कर दिया, एक चैनल को घटा दिया। अब इसको जब आप अपने वीडियो एडिटर में लाइएगा तो आपके पास एक सेफ्टी ट्रैक होगा। मान लीजिए बंदा बात, जो जिसको भी आप रिकॉर्ड कर रहे थे, बात करते करते भावनाओं में बह गया, लाउड हो गया, कोई टेंशन नहीं, आपका सेफ्टी ट्रैक है, उसको चलाने लगिएगा। जब वो वापस धीमे बोलने लगा तब आराम से आप नॉर्मल वाले में आ जाइएगा। तो इसी का इस्तेमाल कर, और चूंकि ये ना तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देगा, आपको मन में शांति हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं गेन नॉब को काफ़ी थोड़ा फ्लेक्सिबल रख पाऊंगा।
दूसरा, अगर आप मान लीजिए वायरलेस बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, खास करके आज तरह का जो भी आप देखते होंगे जो भी लपेल माइक है उसमें इस तरह का बैटरी पैक आता है, उसका मतलब होता है कि ये काफ़ी एम्पलीफाइड कर देता है, ये लवेलियर माइक्रोफोन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो जिसमें ये रहता है कि इसको एम्पलीफाई कर दें, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसको FM ट्रांसमीटर में लगा सकते हैं, और मैंने आपको एकदम ध्यान से बताया कि आप ब्लूटूथ में भी लगा सकते हैं लेकिन लेटेंसी का तिगड़म हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ब्लूटूथ अलाउ आपको नहीं बोलूँगा करने के लिए। आप FM का जो शांति से जाइए किसी भी दुकान में, बोलिए भैया गाड़ी के लिए FM मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर चाहिए तो मिलता है, तो एक ठोक आप कैमरा में लगाइए, एक ठोक आप अपने माइक्रोफोन में लगा दिए, काम करेगा, लेकिन हाँ याद रखिए बैटरी वाला ही काम करेगा, बिना बैटरी वाला अगर आपका लेवलियर माइक्रोफोन है वो नहीं काम करेगा। FM है, FM स्टीरियो है, रेडियो वाला मत खरीदिए, रेडियो वाला तो मिलेगा भी नहीं, FM स्टीरियो होता है तो इसीलिए आराम से चल जाएगा, उसमें आप ये लाइन अटेन्यूएटर लगा के एक सेफ्टी ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके आप कहीं भागिए मत, बहुत झंझट बढ़ जाता है, और मैं भी सोचा कि ये करूं लेकिन मेरे लिए उतना झंझट का कोई मतलब है नहीं, मुझे वायरलेस का जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए आपको जरूरत है कि आप चाहते हो कि मैं हम इधर उधर घूमूं, फ्लेक्सिबल रहूं, या बड़ा कैमरा बहुत वाइड एंगल में है चाहते हैं आप ऐसा, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप FM का एक ट्रांसमीटर में अपना लपेल का माइक डाल सकते हैं और रिसीवर से जो भाई FM रिसीवर होता है उसको अपने कैमरा में लगाएं। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि मोबाइल में लेटेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डिजिटल है, वो सिग्नल रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, अनडिलेट करेगा, बहुत हुहा करेगा इसीलिए, और प्लस आप मोबाइल बिजी हो जाएगा आपका, ये सब आता है 200 से 500 रुपए का, तो इसीलिए इसी भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो आप वायरलेस घर में बना सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा खर्च के। लपेल माइक मान लीजिए आपका 500 के अंदर अच्छा खासा मिल जाएगा, ये दोनों मिला के आप 1000 मतलब 1500 के अंदर एक ठीक ठाक ये, लेकिन किसी भी हालत में ये मत समझिएगा कि कंपेयर कर सकता है सेनहाइजर का जो 50-60 हज़ार का आता है, लेकिन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है आपको। और ये अगर लाइन एटेन्यूएटर मैं कहूँगा कि बनाने के लिए, मैं खुद भी बनाऊँगा, लेकिन देवघर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे उतना अच्छे से मिलता नहीं है सब सामान, तो देखना पड़ेगा कि अगर मिल जाएगा तो मैं भी बना लूँगा अपने लिए। तो ये टिप और ट्रिक्स मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लेवलियर माइक्रोफोन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहे ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा कि दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है, और आप कमेंट लिखिए ताकि मुझे क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ, और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं, तो आपने मेरा वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।